here are some tacos. Next up is the sushi. So I ordered caterpillar roll. Iske andar ye flatbread hai. Hi guys, so today I'm in Khan Market. 1 hour later. Hi guys, so today I'm in Khan Market और मैं आई हूँ इधर Andreas. Now Andreas काफी ज़्यादा popular है Khan Market. DLF Promenade ने भी खोल गया. सबसे पहला खुला था City Walk में, मैं जहाँ गई थी जब मैं न्यू ब्लॉगर थी. बहुत ही अच्छा खाना है, तो हम आज explore करेंगे खाना कैसा है. I'll show you the ambiance as well. It's really nice, very pretty और बहुत ही sunlight आती है इधर. So a paradise for food bloggers like me. और खान देखते हैं कैसा है. मैं उसके प्राइजेस नीचे हमेशा की तरह मेंशन कर दूंगी. और आप सब्सक्राइब हमेशा की तरह कर दो, नहीं करा हमेशा की तरह तो अभी कर दो, और लाइक एंड कमेंट आल्सो. एंड नाउ लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. सो गाइस, हियर आर सम टैकोस. इसमें मैं थोड़ी सार क्रीम डालती हूँ. सालसा गुआकामोले है. These are soft shell tacos. इसके अंदर इतना सारा चिकन के स्टफिंग है, इट इज अमेजिंग. ये फिश प्रॉन और वेज में अवेलेबल है जो पनीर के हैं. बट द फ्लेवर्स आर सो गुड, स्पेशली द फजीता सीजनिंग इज ऑसम. चिकन इज वेरी जूसी, खूब सारा बेल पेपर है. सो आई टोटली लव इट एंड आई रिकमेंड इट. बट माई फेवरेट हैज टू बी दीज चिकन डम्पलिंग्स. और कैन यू डू अ क्लोज अप? तो उसकी एकदम बहुत टैंगी सी सॉस होती है जो उसके ऊपर मैं डालकर खाती हूँ. एंड इट इज सो गुड. सो गुड. जो उसका एक्चुअली जो लेयर, ये वॉन्टॉन की जो ये अपर लेयर है, इट इज़ वेरी थिन. आपको एकदम मैदा मैदा का टेस्ट नहीं आता. और जो चिकन की स्टफिंग, इट्स सो जूसी एंड नाइस. डोंट वरी गाइस, वेजिटेरियन भी दिखा रही हूँ, खिला रही हूँ. इन सब में वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल हैं. नेक्स्ट अप इज द सुशी. सुशी का नाम क्या सौरव? कैटरपिलर रोल. कैटरपिलर रोल पर डोंट मिस. में कोई कैटरपिलर नहीं है, इसमें एस्पैरेगस है और क्रीम चीज है आई गेस. और ऊपर से एवोकाडो का एक लेयर है. सो आई ऑर्डर कैटरपिलर रोल एंड वाज सो सो गुड. इसका जो क्रीम चीज का फीलिंग है मुझे बहुत अच्छा लगा. काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है, वेज नॉन वेज प्रॉन फिश सब सुशी है इधर. सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल. अभी मैंने मंगवाया है, इसके बाद वील हैव सम पिज़्ज़ा एंड स्पिनिच रेवियोली. बोथ आर वेज, सो वील ट्राई दैट. और मुझे जगह काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली यू नो इफ यू आर कमिंग ऑन अ डेट. वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने सोचा कुछ रोमांटिक प्लेसेस की वीडियो बनाऊँ. सो दिस क्वाइट नाइस प्लेस फॉर दैट. तो यहाँ पर पिज़्ज़ा की जगह, मतलब पिज़्ज़ा जैसे ही फ्लैट ब्रेड्स हैं. फ्लैट ब्रेड्स बेसिकली बाहर का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ ट्रेडिशनल मोज़रेला चीज़ का चीज़ पुल नहीं आता या खुद की टमेटो सॉस नहीं होती. उसमें काफ़ी अलग अलग बेस होती है, अलग अलग सॉस होती है. जैसे मैंने मंगवाया है ये पिज़्ज़ा, इसके अंदर ये फ्लैट ब्रेड है. दे हैव अ पेस्टो सॉस हियर. पेस्टो बेसिकली बनता है बेजिल, पाइन नट्स यानी चिलगोज़ा, इस चीज़ों से. और ये है उसके ऊपर गोट चीज़ एंड सम सन ड्राइड टमेटोज. वो चीज़ वैसे काफ़ी महंगी आती है, मोज़रेला से काफ़ी महंगी. इट हैज़ अ गुड वेरी नाइस टेस्ट ऑफ यू नो ऑलिव ऑयल. और काफ़ी अच्छा क्रिस्पी सा है. पाइन नट्स काफ़ी अच्छा फ्लेवर तो देती ही है. अब ये है हमारी वेज रेवियोली. इसके अंदर स्टफिंग है ऑफ रिकॉटा. रिकॉटा भी एक टाइप की चीज़ होती है. एंड और क्या इसके अंदर? स्पिनिच, जो पोपाय खाता था. ठीक है, तो हम खाते हैं अभी. हमारी तंदुरुस्ती तो हो ही नहीं रही, सिर्फ फैट ही बढ़े जा रहे हैं. बट लेट्स ट्राई दिस. देखो सबके अलग अलग प्रेफरेंस होती है. आई लाइक मेरी रेवियोली बहुत सॉसी हो, हल्का सॉसीनेस इसमें कम है और चीज़ काफ़ी ज़्यादा है. हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट हल्का इसमें स्पाइसीनेस और होता था तो मुझे और मज़ा आता. बट नेवरथलेस इट्स रियली नाइस. आप उन्हें बोल सकते हो इसमें थोड़ा स्पाइस और डाल दो, वरना अपना ट्रेडिशनल वे. मुझे ना क्वीन मूवी का वो सीन याद आ गया जब वो एक इटालियन रेस्टोरेंट जाती है. उससे ना शेफ पूछता है इसमें क्या खराबी लगी आपको. कहती थोड़ा इसमें गार्लिक डाल दो सॉटे करके, थोड़ी लाल मिर्च होती है वो डाल दो. वो उसे भगा देता है अपने रेस्टोरेंट से. ये भी ऐसे करेंगे टेस्ट. ओवरऑल दिस प्लेस इज रियली नाइस. मैं डेजर्ट और दिखाऊंगी
But my recommendation would definitely be the chicken wontons and the tacos. Tacos, हम generally taco bell के खा खा के बिगड़ चुके हैं, ठीक है? तो इधर के tacos खा के you'll be like, oh, tacos ये होते हैं, because it is so well stuffed, इतनी अच्छा guac है उसके अंदर, salsa है, you'll definitely love it. Last but not the least, इनके पास था chocolate dome, इनके पास ये है creme brulee, इसको tiramisu जैसा taste लगता है, इसमें lady finger biscuit भी था tiramisu में होता है, और chocolate with brownie था, ice cream with brownie, तो मैंने ये order करा, क्योंकि मेरा वो bowl खाने, dome खाने का बहुत मन था. मैं उसकी वीडियो ज़्यादा लगाती हूँ, ऐसा दिखता है वो, लेकिन मैं खा नहीं पाई हूँ, मेरा बहुत पेट भरा हुआ है. तो अब देखते हैं इसे. कैमरामैन जी थोड़ा क्लोजअप दे हमें. यमर्स, आई थिंक ये मैस्कारपोने चीज़ है, ये भी एक टाइप की चीज़ होती है, सब घर में बना सकते हैं. बाय नॉर्मल क्रीम लेनी है, उसके अंदर नींबू डालना है और उसको पनीर की तरह वो कर देना है. नीचे ना ये वाला बिस्कॉटी है, उसके अंदर इन्होंने एस्प्रेसो रखी है, बहुत अच्छा कॉफ़ी का फ्लेवर है, उसके ऊपर मैस्कारपोने चीज़ है और उसके ऊपर कोको पाउडर उन्होंने ड्रिजल करा है, एंड इट इज सो गुड. इफ यू आर अ कॉफ़ी लवर, यू लव इट. ये ना वो नहीं है मीठा मीठा वाला डेजर्ट, दिस इज़ अ रियली नाइस, यू नो, मतलब मील एंडिंग डेजर्ट, परफेक्ट डेजर्ट है यार. खाते हैं.